हेलो एवरीवन, आई एम श्रेया कैथस फ्रॉम प्रयागराज इन यूपी। मेरा जो टॉपिक है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के बारे में है। मैं श्रेया कैथस आज ऐसे महान विचारधारा रखने वाले महान व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सुधार में लगा दिया, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक अर्थशास्त्री और समाज सुधारक और राजनीतिक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रामजी सतपाल और भीमा भाई के पुत्र थे। वे उनकी 14वीं और आखिरी संतान थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू गाँव में हुआ था, लेकिन बाद में उनके पिताजी उनको अपने परिवार के साथ में लेकर बॉम्बे चले गए थे। अम्बेडकर जी की प्राथमिक शिक्षा मध्य प्रदेश उनके गांव से ही हुई थी और अम्बेडकर जी की ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी मुंबई विश्वविद्यालय से पूर्ण करने के बाद वह अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। उनका विवाह 15 साल की उम्र में रामाबाई से ही हो गया था। बचपन में ही उन्होंने छुआछूत और जाति भेद का सामना करना पड़ा था, जिससे उन्होंने अपने आप को उस समय की उत्तम शिक्षित नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि मुझे वह धर्म पसंद जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सिखाता है। उनकी कुछ लाइन और भी जो हमें प्रेरित करती, जैसे शिक्षित बनो, संगठित रहो। किसी समुदाय की प्रगति तभी मानी जाएगी जब समाज की औरतें भी पढ़ी रहेंगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत की आज़ादी के बाद ही सरकार ने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्यभार आमंत्रित किया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया संविधान पहला सामाजिक दस्तावेज था। सामाजिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने आवश्यक शर्तों की स्थापना की। इसमें उन्होंने धर्म की स्वतंत्रता, भेदभाव के सभी रूपों पर प्रतिबंध और छुआछूत को समाप्त करना भी शामिल था। अम्बेडकर जी ने महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की भी वकालत की। उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए प्रशासनिक सेवाओं, कॉलेजों और स्कूल में नौकरियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने का कार्य किया। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी थी। बचपन में उन्हें मल्हार जाति, जिसे एक अछूत जाति माना जाता है, उसे होने के कारण जिसे समाजछूत जाति माना जाता है, उसे होने के कारण सामाजिक बहिष्कार, छुआछूत और अपमान का सामना करना पड़ता था। जाति व्यवस्था के कारण समाज से कई सामाजिक बुराइयां प्रचलित थी। बाबा साहब ने दलित के पूर्ण अधिकारों के लिए कई आंदोलनों की शुरुआत भी की थी। उन्होंने सभी जातियों के सार्वजनिक जप श्रोत और मंदिरों में प्रवेश करने के अधिकार की मांग की। उन्होंने भेदभाव का समर्थन करने वाले हिंदू शास्त्रों की भी निंदा की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जिन जाति भेदभाव के कारण उनके पूरे जीवन में पीड़ा और अपमान का सामना करना पड़ता था, उन्होंने उसे खिलाफ लड़ने का फैसला किया। बाबा साहब ने लोगों तक पहुंचने और उन्हें सामाजिक बुराइयों के नकारात्मक प्रभाव को समझाने के लिए एक मूक नायक, जिसे हम लोग चुप्पी के नेता के नाम से भी जानते हैं, नामक एक अखबार शुभारंभ किया। बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा गांधी के हरिजन आंदोलन में भी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने भारत के पिछड़े जाति के लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले सामाजिक अन्याय के विरोध में अपना योगदान दिया। बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी उन प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने भारत की अस्पृश्यता को समाप्त करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा अस्पृश्य और अनिचली जातियों की समानता के लिए लड़े और सफलता प्राप्त की। वे एक समाजकर्ता भी थे। उन्होंने दलित समुदायों के लिए समानता और न्याय की मांग की थी। बाबा साहब आज लाखों लोगों की एक प्रेरणा स्रोत है। अम्बेडकर जी को मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा भी गया था। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। थैंक यू।